यासिर शाह, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वकार शाह के बेटे यासिर छात्र जीवन से ही सियासत में दिलचस्पी लेने लगे थे। पिता के साथ रहकर सियासत और चुनावी रणनीति के सबक पढ़े। 2012 के विधानसभा चुनाव में बहराइच की मेटरा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। पिता की बीमारी के बाद कैबिनेट में जगह मिली, परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी को अंजाम दिया। आनंद सेन को सियासत विरासत में मिली है। पिता मित्र सेन यादव की छत्र छाया में राजनीति में आए। 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से चुनावी पारी की शुरुआत की। 2004 में आम चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आनंद सेन पर आपराधिक मामले भी दर्ज होते रहे। अगवा और कत्ल के एक केस में निचली अदालत से सजा भी सुनाई गई, जो हाईकोर्ट से बरी हो गए। 2016 में पिता के निधन के बाद खाली बीकापुर सीट पर उपचुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे। प्रतीक भूषण, केसरगंज से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से चुनाव मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने वाले प्रतीक को पिता से कुश्ती का शौक विरासत में मिला था। एक जमाने में वो रेसलर बनने का फैसला भी कर चुके थे, लेकिन घरेलू माहौल उन्हें राजनीति में ले आया। पिता के चुनाव में काम को तो वो पहले भी करते थे, लेकिन खुद चुनाव लड़ने का ये उनका पहला मौका है।